नमस्कार, एबीपी न्यूज में वक्त हो चुका है योग पर हमारी इस खास पेशकश का। मैं हूं कंचन डोगरा। आज बात योग की। आप सोचेंगे अचानक योग का जिक्र क्यों, तो इसकी वजह है राजधानी दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में चल रहा है एक बेहद अलग तरीके का योग शिविर। अलग इसलिए क्योंकि ये ऐसा योग शिविर है जिसमें बताया जा रहा है कि योग और भगवान के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। दुनिया के 140 देशों में आंदोलन की तरह चल रहे इस आधुनिक योग पद्धति का नाम है बिहार स्कूल ऑफ योगा। देखिए पूरी कहानी। I don't want to say God. It will change too many of my plans. And I don't want to change plans of my life. I am happy following the pattern which I have been shown. स्वामी निरंजनानंद सरस्वती का मजाक सुना आपने? यही है बिहार स्कूल ऑफ योगा का मूल मंत्र, यानी मुझे भगवान नहीं चाहिए। इस योग पद्धति के बारे में और गहराई से बताएंगे, लेकिन पहले आपको ले चलते हैं दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में, जहां स्वामी निरंजनानंद योग को आधुनिकता के साथ जोड़कर लोगों तक पहुंचाने के लिए आए हैं। त्यागराज स्टेडियम ठसा ठस भरा है। बिना मीडिया की सुर्खियों में आए इस योग शिविर में इतनी भीड़ आखिर कैसे आ पहुंची, इस सवाल में छिपी है बिहार स्कूल ऑफ योगा की कामयाबी की कहानी। देखिए, मैं तो बहुत संस्था को देखा है, बहुत गुरुजी को देखा है, बहुत योग संस्था को देखा है, लेकिन बिहार स्कूल ऑफ योगा बहुत छुप छाप से चल रहा है और खाली योग पर इस पर ध्यान दे रहा है। उसमें घंटी, अगरबत्ती, श्री श्री बाबा, ये सब चीज़ का नहीं। वो मतलब जो साधारण लोग जो सीधा योग सीखना चाहता है वहाँ जा सकता है और वहाँ इसका ट्राई कर रहा है। और मैं आपको ये बतला सकता है कि एक बहुत अच्छा बात है, अब सारा दुनिया में, हिंदुस्तान में तो सब बोलता है ना कि विदेशों में मेरा सब है, मैं एक विदेशी हूँ। मैं आपको सही बोल रहा है कि आप चाहे अमेरिका जाइए, यूरोप जाइए, ईस्टर्न यूरोप जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, बिहार योग विद्यालय का जो नाम है उसको बहुत मशहूर माना जाता है। मतलब सबके लिए द्वार खुले हैं, कोई ऐसा नहीं है कि तुम नाकाबिल हो, तुम नहीं आ सकते, तुम ये नहीं सीख सकते, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं सोचा जाता। हर व्यक्ति को पूरा अवसर दिया जाता है और उसी के लेवल से बात शुरू की जाती है। 140 देशों में 700 सेंटर हैं और जो योग का प्रचार पिछले 50 सालों से कर रहे हैं, और हमारे स्वामी जी के लगभग 5000 से ज़्यादा सन्यासी शिष्य हैं जो पूरे विश्व में योग का प्रचार का काम कर रहे हैं। दिल्ली के शिविर में भी बात शुरू होती है बिहार स्कूल ऑफ योग के उस दर्शन से जिसमें योग जीवन को संवारने का काम करता है, न कि परलोक को। शिव जी भी दुख निवारण हेतु, दुख से मुक्ति हेतु योग की शिक्षा देते हैं, ईश्वर प्राप्ति हेतु नहीं, ईश्वर की प्राप्ति नहीं, बल्कि दुख निवारण हेतु, कष्ट निवारण हेतु। और उसी प्रकार मध्यकालीन योग में जिन ऋषियों ने अपना थीसिस लिखा, उन्होंने भी योग विद्या को ईश्वर दर्शन का आधार नहीं माना। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बताते हैं कि हिंदू धर्म से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है, ये अलग साइंस है, तो इसको धर्म से जोड़कर मत देखिए। इस योग विधा का दूसरा अहम सूत्र है योग कीजिए तो पूरा, ना कि थोड़ा थोड़ा। केवल आसन करते हो, वो हठ योग का मात्र एक छोटा सा अंग है, हठ योग नहीं है। आसन को हठ योग कहना गलत है, क्योंकि हठ योग का मात्र एक 1/5 ऑफ हठ योग इस आसन, और बाकी जो चार हैं वो शुद्धिकरण की क्रियाएं हैं, प्राणायाम है, मुद्रा है और बंध है। योग विद्यालय जो
जगह जगह पनपे हुए हैं वो एक ही तरह की बात करेंगे, या तो वो आसन पे लेके जोर देते हैं, आसन और प्राणायाम तक बात बहुत लोग सिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ और सूक्ष्म विद्याओं को बहुत ही व्यवहारिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे पहले कि बिहार स्कूल ऑफ योग की जन्मभूमि और कर्मभूमि में आपको ले चले, जरा विज्ञान के जरिए योग सिखाने का ये तरीका भी देखिए। And different gears, first, second, third, fourth, reverse. And the way you move in between gear is through neutral. Neutral is not a gear, right? Gear is only 1, 2, 3, 4 in reverse. Pranamaya kosha acts like the neutral space for you to move between annamaya to manomaya, from manomaya to vijnanamaya, from vijnanamaya to anandamaya. स्वामी निरंजनानंद सरस्वती की बातें लोगों के दिलों में सीधे उतरती हैं। स्वामी निरंजनानंद बिहार स्कूल ऑफ योग का प्रचार प्रसार करने वाले गुरुओं की तीसरी पीढ़ी में आते हैं और उनका नाता है बिहार के मुंगेर जिले में गंगा किनारे बसे इस गंगा दर्शन आश्रम से। ये वही आश्रम है जहाँ से हुई थी बिहार स्कूल ऑफ योगा की शुरुआत। ये संस्था 50 साल पुरानी संस्था, 50 साल पहले श्री स्वामी सत्यानंद जी ने इसकी स्थापना किए थे बिहार योग विद्यालय मुंगेर में, माने मुंगेर में जी। और यहाँ से योग का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ को प्रदान करने वाली संस्था है। इस स्कूल की स्थापना साल 1964 में हुई थी और इसे स्थापित किया था स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने। ये किस्सा भी दिलचस्प है। वो तो जब स्वामी शिवानंद जी ने स्वामी सत्यानंद जी को कहा कि तुमको योग की ज्योति पूरे विश्व में जलाना है, और तो वो पूरे देश में घूमते थे, मतलब करीब 12 साल तक पूरा भारत, लंका, बर्मा, नेपाल, भूटान, ये सब जगह उन्होंने पदयात्राएं की थी, कहीं मतलब पैदल, कहीं बैलगाड़ी से, ऐसे करके यात्राएं की थी। और उसके बाद वो बिहार के मुंगेर में आए थे, तो वहाँ कुछ दिन थे, लेकिन जिस दिन श्री स्वामी शिवानंद जी ने अपना शरीर माने समाधि लिए, तो उन्होंने वहीं मुंगेर में योग का आश्रम बनाया और उससे पूरे विश्व में योग का प्रचार किया। योग की इस पद्धति के संस्थापक थे स्वामी शिवानंद सरस्वती। स्वामी शिवानंद ऋषिकेश में रहते थे और योग को बेहतर जिंदगी जीने का जरिया मानते थे। उन्होंने 1936 में योग के लिए डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना की थी। एबीपी न्यूज आपको स्वामी शिवानंद की पद पूजा की दुर्लभ तस्वीरें दिखा रहा है। ध्यान मलम गुरु और मूर्ति पूजा मलम गुरु और पदम मंत्र मलम गुरु और वाक्य मलम गुरु और प्रभा नमः शिवानंदाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्ते निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे त्वं हि विष्णुर्विरिञ्चस्त्वं त्वं च देवो महेश्वरः त्वं चैव शक्तिरूपासि निर्गुणस्त्वं सनातन ॐ नमः भगवते शिवानंदाय। स्वामी शिवानंद वेदांत और योग दोनों को जोड़ करके जीवन के अनुशासन को एक जीवन शैली के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत की, और हमारे गुरु स्वामी सत्यानंद जी योग को व्यवहारिक, वैज्ञानिक और एकेडेमिक रूप दे करके सर्वसुलभ बनाए। साल 1964 में स्वामी शिवानंद के महासमाधि ले लेने के बाद उनके उत्तराधिकारी शिष्य ने मुंगेर में गंगा दर्शन आश्रम की नींव रखी और यहीं से शिवानंद की पद्धति को नाम मिला बिहार स्कूल ऑफ योगा का। चूंकि योग का ये केंद्र मुंगेर में था, इसलिए सत्यानंद स्वामी के शिष्य इसे मुंगेर स्कूल ऑफ योगा भी कहते हैं। पिछले 50 साल में दुनिया भर में प्रचार प्रसार के साथ स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने योग सिखाने के लिए 300 से ज्यादा किताबें लिखी, जिसमें योग की थ्योरी कम और प्रैक्टिकल ज्यादा है। करीब 350 बुक्स हैं, पर जिनको उन्होंने लिखा नहीं है वो बोले हैं, और जब वो बोलते थे वो टेप होता था और उससे किताबें बनती थी।
और हम तो ये भी कहेंगे कि आज शायद भारत में जितने भी ऋषि मुनि होंगे हुए होंगे सब योग के बारे में एक कहानी के रूप में बोले या लिखे हैं। हमारे स्वामी जी ने एक क्रियात्मक कैसे करना है उसको उस तरह से कराया, मैंने कक्षा अभ्यास जिसे कहा जाए। साल 2010 में सत्यानंद स्वामी के निधन के बाद जिम्मेदारी स्वामी निरंजनानंद के कंधों पर आ गई और वो अपने काम को हर रोज किसी उत्सव की तरह मनाते हैं और इन दिनों ये उत्सव दिल्ली में चल रहा है।